कि रावण जो था ना वो सीता माँ को किस रास्ते से देखता था? रावण माँ जानकी जी को पुत्री रूप में देखता था। वनवास मिल गया तो रावण को बड़ा क्रुद्ध हुआ, लंका के राजा हैं और पिता इतना बड़ा है और बेटी बन बन भटके, तो रावण अपनी बेटी के उस दुख को नहीं देख पाया, छल करके अपनी बेटी को लंका में इसलिए लाया ताकि यहाँ सुखमनी से रहे और 14 वर्ष का वनवास हो जाए। क्यों भाई वो बोले जा रहा था, जनता ताली पीट रही है, एक ठो रिफरेंस नहीं दिया कहीं से, और तुम साला यहाँ पर ये मान के बैठे हुए हो तो वो जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो तो आत्मज्ञानी हो, तो सब कुछ जान के बैठा है, वो गलत कैसे बोल सकता है? वाह, एक बार ताली बजाओ। कोई अगर एक जगह कह रहा है कि रावण अपहरण करके ले आ रहा है, कोई अगर कहीं दूसरी जगह कह रहा है कि देवी सीता अपने आप लंका आ गई करके, तुम साले दोनों को मान लेते हो। ढंग से छोड़िए, वो लोग एक बार भी नहीं पढ़े रहते हैं, और वो लोग आ गए हैं रामायण में ज्ञान धपेलने। चासनी में डुबो डुबो के जो आपने नकली रामायण का स्वाद लिया हुआ है ना, अब असली रामायण में देखिए कि रावण कितना हरामखोर था। अब चलते हैं सीधे रेफरेंस की ओर, फिर बताइएगा कि कोई अपनी बेटी को ऐसा ट्रीट करता है क्या। यह वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड सर्ग नंबर 49 श्लोक नंबर 16। इत्युक्तं मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हि प्रियवादिनीं अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसा काम मोहिता। उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा प्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस, अब काम से मोहित वाला बात यहाँ पर स्पष्ट है, वो उनको ले जा रहा था तो वो महल में सजाने के लिए नहीं ले जा रहा था, उनसे सेक्स करने के लिए। बहुत गंदा लग रहा होगा आप में से कई लोगों को, क्योंकि आप लोग जो हैं वो टीवी देख देख के आपका जो दिमाग है ना वो पूरा चाशनी हो चुका है, तो आपको ये सब जो बातें जो रियलिटी है वो भी कड़वी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सीधा सीधा यही बताया जा रहा है कि काम से मोहित हुए दुष्ट आत्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया। आगे चलते हैं। उर्वोस्तु दक्षिणे न परिजगा पाणिना। रावण ने अपने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उठा लिया। जो जांघों के नीचे हाथ लगा के उठा रहा है वो अच्छा कैरेक्टर कैसे करके हो गया तुम्हारे लिए साले? तभी है तुम साले कभी खोल के वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं हो, इधर उधर से अपनी साली बकबाकी किए जा रहे हो। ये है रावण का असली चरित्र। यू जस्ट चेंज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द पर्सनैलिटी ऑफ रावण, और वो भी ये कंडम गुरु घंटालों को सुन सुन के। अब वो साले जो अनपढ़ टीवी में बनाते हैं बिना रिसर्च किए जो बनाते हैं उनकी बात तुम मान लेते हो सीधा सीधा। ये इतिहास, ये हिस्ट्री है, और ये केवल मेरा हिस्ट्री नहीं है, ये तुम्हारा भी हिस्ट्री है। भगवान राम और देवी सीता जितने मेरे हैं उतने तुम्हारे भी हैं।